हाय गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि इस साल मैंने दिवाली पे सबको गिफ्ट देने के लिए क्या क्या गिफ्ट्स खरीदे। आई थिंक आप दिवाली बिल्कुल 10 डेज बाद आने वाली है और मुझे लगता है आप सबने ही गिफ्ट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में मैं सारे प्राइजेस आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये सारे गिफ्ट्स हैं और हो सकता है जिसे मैं गिफ्ट दूँ वो भी ये वीडियो देखे। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि प्राइस शेयर करना इतना अच्छा नहीं होगा। और वैसे भी इनमें से कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने ऑनलाइन खरीदी हो या जो ऑनलाइन आई हो, सारी मैंने यहाँ लोकल खुद जाके खरीदी है, तो सारे ही लोकल चीज़ें। पर हाँ, मैं आपको ये बता दूंगी कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मैंने खरीदा है वो मैंने ये एक टी लाइट कैंडल खरीदी है। ये मैंने होम सेंटर से खरीदी थी। एक्चुअली मैंने ऐसी दो खरीदी हैं क्योंकि मुझे अपने ऑफिस में कुछ लोगों को गिफ्ट देनी है, बेसिकली मुझे अपने बॉस को गिफ्ट देनी है। तो ये मुझे काफ़ी पसंद आई। वेट, मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की है, शायद आपको समझ आ रही होगी। ये काफ़ी बड़ी है और इसका जो ग्लास है वो बिल्कुल ऐसा क्रैक्ड सा ग्लास है। वैसे ऐसा लगता है जैसे ये टूटा हुआ है, बट एक्चुअली में टूटा हुआ नहीं है, ये इसकी डिज़ाइन ही ऐसी है और ये काफ़ी अच्छा है। इसमें चाहें तो आप टी लाइट कैंडल जला सकते हैं या फिर आप आपकी जो बड़ी साइज़ वाली कैंडल होती है वो जला सकते हैं, और आप चाहें तो फेरी लाइट्स भी इसमें डाल सकते हैं जो आई थिंक काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगी। तो इसमें इवन 2-3 कलर्स और भी अवेलेबल हैं और ये सेम चीज़ आपको अमेज़न पे भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन इसे मंगाना चाहते हैं। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इसमें और छोटी बड़ी अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस भी थी, पर मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद था तो मैंने ये ख़रीदा। इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ख़रीदा है वो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ। ये मैंने एक टी लाइट बर्नर ख़रीदा था, इसके साथ 2 टी लाइट कैंडल और एसेंस भी फ्री आया है। मैंने विशाल मेगा मार्ट से ख़रीदा था, वहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं अलग अलग फ्रेगनेंस के साथ। तो मुझे लगता है ये भी गिफ्ट करना काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आप किसी को कॉम्पैक्ट सा कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसा है, लाइट का शीट पड़ रहा है इस पर बहुत ज़्यादा, बट हाँ ये कुछ ऐसा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है। मैंने लास्ट ईयर भी ऐसे कुछ पैकेट्स अपने फ्रेंड्स में गिफ्ट दिए थे। इसके बाद जो मैंने ख़रीदा है वो ये सूट ख़रीदा है। ये बेसिकली ओवरऑल ऐसा ही है और पीछे से भी, मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेसिकली मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है और मैं दोबारा इसको ऐसे ही फोल्ड नहीं कर पाऊँगी। तो ये कॉटन का सूट है, बिल्कुल कॉटन तो अच्छा दिख रहा है। मुझे नहीं पता धोने के बाद इसमें कलर रह जाएगा या चला जाएगा, बट हाँ ये मैंने सूट ख़रीदा है। और ये इसका प्लाजो है जो इसके साथ ही आया है। वेट, प्लाजो मैं आपको दिखा सकती हूँ क्योंकि ये फोल्ड करना इजी रहेगा। तो ये प्लाजो है इसका। ओवरऑल ये मुझे काफ़ी पसंद आया, सिंपल सा है और आप इसे रूटीन में पहन सकते हैं। तो ये मैंने एक सूट ख़रीदा है। मैंने ये एक कुर्ता ख़रीदा है, ये बेसिकली मैंने अपने लिए ख़रीदा है दिवाली के लिए। तो ये मेरा सेल्फ गिफ्ट है खुद के लिए, मैं दिवाली पे यही पहनने वाली हूँ। तो ये ऐसा है और इसमें बहुत अच्छा घेर है नीचे और ये बिल्कुल टो लेंथ, ये बिल्कुल एंकल लेंथ तक का है और इसमें बहुत अच्छा नीचे घेर है। तो ये मैंने लाइफस्टाइल से ख़रीदा था और उस टाइम वहाँ पे सेल चल रही थी तो मुझे बहुत सस्ते में पड़ा। एग्जैक्ट प्राइस तो मुझे याद नहीं है, बट अगर आप इसका ओवरऑल लुक देखना चाहते हैं ये कैसे दिखता है, तो आने वाले टाइम में मेरा जो दिवाली ब्लॉग आएगा उसे ज़रूर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा है। तो ये ख़रीदा। इसके अलावा मैंने ये एक टी शर्ट ख़रीदी है, ये मैंने अपने भाई के लिए ख़रीदी है। तो ये एक ख़रीदी है, ये अनादर वन, और ये इसके बाद एक और टी शर्ट। तो ये तीनों स्टफ इनका काफ़ी अच्छा है। ये मैंने डी मार्ट से ख़रीदी थी, अगेन मैं आपके साथ प्राइस शेयर नहीं करूँगी, बट अगर आप ऐसी टी शर्ट लेना चाहते हैं तो डी मार्ट में बहुत सारी अवेलेबल हैं
और मेरा भाई तो रूटीन में सारी ऐसी ही पहनता है। तो स्टफ़ इनका काफ़ी अच्छा है। अगेन कलर के लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, पर हाँ जितने की मैंने खरीदी थी वो वर्थ है ख़रीदना। तो इस टाइप की टी शर्ट अगर आप अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए या ख़ुद के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ऐसी बहुत सारी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैंने एक ये टी शर्ट अपने पापा के लिए खरीदी है, ये कुछ ऐसी है। मेरे पापा कुछ इसी टाइप की मैटी वाली टी शर्ट पहनते हैं, ये मैटी का कपड़ा है, तो ये भी अच्छी है और इसमें भी बहुत सारे कलर एंड डिज़ाइन अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से और देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पापा के लिए ही एक लोअर भी ख़रीदा है, मुझे बेसिकली ये काफ़ी पसंद आया था और अच्छा था तो मैंने एक ये ख़रीदा है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं गिफ्ट देने के लिए, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे फर्स्ट ये मैंने बैग ख़रीदा है, एक नॉट बैग, इसको शायद क्लच बोलेंगे, वेटनेस पॉली बैग से आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये कुछ इस टाइप का बैग है और जो काफ़ी प्रिटी, एक्चुअली मेरी एक कज़िन की शादी होने वाली है तो मैंने दिवाली कम वेडिंग गिफ्ट ख़रीदा है उसके लिए, तो मैं उसको ये दूंगी। तो ये कुछ ऐसा है, ये इसमें बिल्कुल बीट्स की जो स्ट्रिंग है ये है पकड़ने के लिए, और ये ऐसा है, और अगर आप ये दोनों खींचेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा पोटली बैग हो जाता है जो बहुत सुंदर लगता है। तो ये मैंने अपने जयपुर का जो लोकल मार्केट है जौहरी बाज़ार बोलते हैं और जैसे बापू बाज़ार बोलते हैं, मैंने वहाँ से ख़रीदा है इसे। और इस टाइप के बहुत सारे बैग्स यहाँ अवेलेबल होते हैं, आप बहुत सारे कलर डिज़ाइन पैटर्न के ख़रीद सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप जिस कलर की ड्रेस पहन रहे हैं आप उस कलर का बैग कैरी कर सकते हैं। तो एक बैग मैंने ये ख़रीदा है। इसके अलावा दूसरा भी मैंने ये ख़रीदा है, बस थोड़ी सी डिज़ाइन इसमें अलग है, पर ये पिंक कलर का है और ये भी सेम पैटर्न का ही है। इसके बाद थर्ड जो मैंने ख़रीदा है उसे देने के लिए, वो कुछ ऐसा बैग ख़रीदा है, इसमें ये हैंडल लगा हुआ है पकड़ने के लिए और ये आई थिंक ये ब्लू कलर का है, पर शायद वीडियो में ये ब्लैक कलर का आ रहा है पर ये ब्लू कलर का है। तो ये भी काफ़ी क्यूट है और ये हैंडल है और इसमें बहुत सारी जिप हैं, पीछे भी है और ये अंदर भी है, और इसमें ये स्ट्रिंग भी दी हुई है पूरी पकड़ने के लिए, अगर आप चाहें तो इसे टांग सकते हैं, और इसमें अंदर भी एक पॉकेट दी हुई है। तो पर मुझे लगता है कि ये ऐसे हाथ में पकड़ने में ज़्यादा प्यारा दिखेगा। और इसके अलावा जो मैंने एक और उसके लिए ख़रीदा है वो ये है, ये भी क्लच सॉर्ट ऑफ है और इसमें भी ये पूरी एक स्ट्रिंग दी हुई है, अगर आप कैरी करना चाहें तो इसको आप आराम से ऐसे शोल्डर पे कैरी कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, और नहीं तो आप चाहें तो इसको ऐसे सिंपली हाथ में भी पकड़ सकते हैं। इसमें भी अंदर ये बिग कंपार्टमेंट है और ये एक छोटा जिप है। तो वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि इसमें बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आ सकता, पर हाँ आप फ़ोन रख सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड्स रख सकते हैं, थोड़ा सा कैश रख सकते हैं। और जो न्यूली वेड ब्राइड्स होती हैं वो तो बहुत सारे लोगों के घर डिनर पे और मिलने जाती ही रहती हैं, तो मुझे लगता है बैग्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे उस केस में, आप जिस कलर के ड्रेस पहन रहे हैं उसके मैचिंग का ले लें और ये काफ़ी प्रिटी दिखते हैं। तो ओवरऑल मुझे तो ये बैग बहुत पसंद है। तो ये था गिफ्ट्स जो मैंने लोगों को देने के लिए ख़रीदा है। आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा मुझे ज़रूर बताइए, तो हो सकता है मुझे भी कोई नया आइडिया मिल जाए जो मैं भी गिफ्ट कर सकती हूँ। और आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि अमेज़न की सेल से मैंने क्या क्या ख़रीदा और दिवाली के लिए होम डेकोरेशन के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। तो अगर वो सारे वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट दिवाली ब्लॉग के साथ। चिल्ड्रन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। Bye-bye.